टुडे हम पढ़ेंगे कोविन ऐप के बारे में, जो रिलेटेड टू कोवैक्सीन से रिलेटेड ये ऐप है, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। कोविन ऐप जो है इसके बारे में क्या, इसमें की फीचर्स हैं इस ऐप के, किस लिए बनाया गया है। फिर असम अकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी न्यूज़ में है असम अकॉर्ड, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्लॉज 6 क्या है, कैसे ये डिफरेंट है आपका जो आपका CA आया है, कैसे डिफरेंट है। फिर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से एडिटोरियल आया है, तो उसके कुछ एप्लीकेशंस के एडवांटेजेस देखेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, कैसे वो इंडिया में यूज़फुल है, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल आया। तो पूरे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से हम हर चीज़ पढ़ लेंगे कि कैसे वो ह्यूमन से अच्छा है या ह्यूमन से बेकार है उस लिए। फिर एक आर्टिकल आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, ये पॉलिटी का टर्म है तो ये चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें मेनका गांधी केस में क्या हुआ था वो भी चेक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, इसको राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा से भी पास हो गया है, अभी प्रेसिडेंट असेंट के लिए चला गया, मतलब प्रेसिडेंट साइन के लिए चला गया, तो इस बिल के अंदर क्या है, क्यों तो अभी बिल से एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट ने साइन करते ही, ठीक है ना। राज्यसभा से कल ये पास हो गया, तो ये तीन चार चीजें नाउ बी बैक टू आवर हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़ में पहले पेज पे न्यूज आ रही है वो रिलेटेड टू आ रही है वैक्सीन। अभी क्या हुआ है कि जो अपने जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो आप वैक्सीन दे रहे हो वो कैसे इंडिया में सुटेबल है, मतलब कैसे इंडियन वालों के लिए ठीक है, मतलब इन द सेंस वो कि आप इंडिया की जो फुलफिल है वो कर पाओगे क्या। विदेशों को आप वैक्सीन सप्लाई कर रहे हो, दूसरी सी कंट्री को आप वैक्सीन सप्लाई कर रहे हो, आपकी कंट्री की नीड फुलफिल नहीं हो रही है, दूसरों को आप वैक्सीन सप्लाई कर रहे हो, ऐसा बोला है जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने ऐसा बोला है। क्योंकि किस तर्क पे बोला है वो, क्या बोला है उन्होंने, किस स्टैंडर्ड पे बोला है, जो आपके कि बोला कि अभी जो वैक्सीन लगी है वो 0.35 पॉपुलेशन को लगी है, अगर इसी रफ्तार से आप वैक्सीन लगाओगे तो 18 साल लग जाएंगे पूरी वैक्सीनाइजेशन देने में पूरी इंडिया को, 18 साल, ठीक है ना। कैसे आप जो आपको सेकंड डोज देनी है विद इन 2 मंथ में वो भी फुलफिल भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा ऑब्जेक्शन किसने उठाया है, अपोजिशन ने उठाया है, ठीक है ना। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बोला है नहीं, हम अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे और जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन प्रोवाइड करवा देंगे अपने लोगों को, 30 लाख लोगों को हर रोज दी जा रही है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है ना। जो WHO का प्रिस्क्राइब मैनर है कैसे वैक्सीन देनी है उसी हिसाब से दी जा रही है। और दूसरी चीज, किसी को लगवानी है तो आप कोविन पोर्टल है उस पर जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हो और वैक्सीन को आप लगवा सकते हो, वैक्सीन को लगवा सकते हो। 150, मतलब वो वैक्सीन 200-250 रुपये में लगेगी, 100 रुपये उसमें हॉस्पिटल अरेंजमेंट के होंगे, मतलब फिक्स जो अरेंजमेंट हॉस्पिटल करेगा, वरना वैक्सीन की कॉस्ट 150 रुपये है और आप जाके लगवा सकते हो, ठीक है ना, इस वाले पे रजिस्टर्ड करके, कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके। पर अपोजिशन क्या बोल रहा है, 0.35 पॉपुलेशन को वैक्सीन अभी तक लगी है, ऐसे देखोगे तो 18 साल तक आप ये वैक्सीन लगाओगे तब जाके हमारे 1.30 करोड़ पीपल है उनको लग पाएगी, ऐसा पोजीशन बोल रहा है। तो ठीक है, गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं हम अच्छी तरह कर लेंगे मैनेज, हम कर लेंगे, हम लगा देंगे वैक्सीन। क्या लाइन बताई है, साइंस इज ग्लोब द टेक्नोलॉजी कुड बी लोकल बट द बेनिफिट शुड बी शेयर विद ऑल, ऐसा किसने बोला है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि साइंस इज ग्लोबल है, कि ये नहीं कि हमारे पास वैक्सीन है तो हम दूसरों को ना दें, हम 72 कंट्री को अब तक दे चुके हैं। पर अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप कंट्री को सप्लाई कर रहे हो पर आपकी कंट्री में ही लगते लगते 18 साल लग जाएंगे, आप दूसरों को भेजने से बजाय अपनी कंट्री में लगाओ, तो बोले नहीं हम सबके लिए अप्लाई करेंगे, सबको देंगे और अपनी कंट्री में भी लगाएंगे। जैसे इसमें लिखा हाउस पैनल फ्लैग इज स्लो पेस ऑफ वैक्सीनाइजेशन, कि वैक्सीन जो है उसका एक बहुत धीमा स्तर चल रहा है, कि बहुत हल्के वैक्सीन लग रही है, बहुत स्पीडली वो हमें करना है, तो एक ये रीज़न आया। फिर इसमें मैंने कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि ओल्डर द IIM लैग बिहाइंड द, मतलब कि जो उनके कोटा है ना, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रखी जानी है तो मतलब जो कोटा फुलफिल होते हैं SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, OBC से, जनरल से, तो ऐसे फैकल्टी रखी जाती है अकॉर्डिंग टू द कोटा, ठीक है ना। तो फैकल्टी बहुत कम है, जो जितनी पुरानी IIM है ना, जितनी पुरानी, जैसे पुरानी अहमदाबाद बहुत पुरानी है, ये जितनी पुरानी IIM है, जैसे आपकी नागपुर बहुत पुरानी है,
लखनऊ बहुत पुरानी है, उतने ही कम उसमें कोटा फुलफिल कर रहे हैं, उतना ही कम उसमें कोटा है। और जितनी न्यू डेवलप्ड हैं, जैसे सेकंड जनरेशन वाली हैं, जैसे आपकी IIM शिलोंग, उसमें 30% फैकल्टी है कोटा फुलफिल कर रखा है। IIM रायपुर में 25%, जम्मू कश्मीर 22%। जितनी पुरानी है उसमें कोटा फुलफिल ज़्यादा हो रहा है, देखो ये। और जितनी नई है आपकी, जितनी पुरानी है उसमें तो कम कोटा फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। जितनी पुरानी होती है, काशीपुर भी बाद में खुली है, और भी जितनी ये आपकी रायपुर बाद में खुली, 21% उसमें OBC कैटेगरी के हैं। तो ये इसमें ऐसा दिखाया गया, किसी एक्टिविस्ट ने RTI लगाई थी। मैंने आपको दो चीज़ बताई, स्टूडेंट भी जो है अपने जो PG करने जाते हैं या PhD करने जाते हैं, उनकी भी मतलब कैटेगरी वाले, उनकी भी कम प्रेजेंटेशन है, कम वहाँ पर इनरोलमेंट है, और फैकल्टी का भी कम इनरोलमेंट है। ऐसा क्या रीज़न है, किस वेज से? ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो बेस बताया वो इन्होंने बोला है कि फैकल्टी उस क्वालिटी की नहीं मिल पा रही उस कैटेगरी में जिस क्वालिटी की चाहिए। हाँ, एक बार ठीक है, देखो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, IIM अहमदाबाद और IIT छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये एक हायर स्टूडेंट्स मतलब हायर उनके रिसर्चर जो होने चाहिए, क्योंकि फैकल्टी भी हाई क्लास होनी चाहिए। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या उठाया कि उनके नहीं मिल पा रही उन्हें फैकल्टी, ये उन्होंने ऐसा बोला है। पर हमको हर चीज़ को देखते हो, इतना टैलेंटेड वन है, अगर आप नॉर्म्स कम करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे फैकल्टी रिक्रूटमेंट में, तो मे बी आपको मिल जाए। इतना बड़ी 1.30 करोड़ का आपको फाइनेंशियल बढ़ाना चाहिए, विदेशों से भी NRI कोटा भी रखना चाहिए, NRI फैकल्टी आ सकें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप करोगे मे बी आपको मिल सकती हैं, कुछ स्टेप आप लोगे। तो मैंने आपको लिखने के लिए आए कि प्रॉब्लम्स क्या है इंस्टीट्यूशन की, ठीक है ना, लैक ऑफ फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है, कोटा भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फिर जो बचे हुए देखो, तो बचे हुए मतलब तो फैकल्टी का तो है ही उसमें कम, और फिर रिसर्च जो स्टूडेंट है उनकी भी मतलब उसमें लैक ऑफ एनरोलमेंट है, आप ऐसा बता सकते हो। इस वाली जो RTI में जो लगाई थी उस पर जो आया है, अब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हायर रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है, चिनाब रिवर पर बन रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इतना याद रखना। इसका ये वाला पोर्शन पूरा हो चुका है, अब नीचे लाइन बिछेगी, वो पोर्शन बचा है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ है, चिनाब रिवर पर बन रहा है, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर। अब दिल्ली रिमेन द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, नॉट सिटी इट इज कैपिटल, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कैपिटल है दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड है, ऐसा एक रिपोर्ट आई है IQAir। इसे किसने निकाला है, इसे स्विस बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी ने निकाला है IQAir। जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, नॉट ए सिटी। अगर सिटी में जाओगे तो आपकी होटल है कोई चाइना की, वो मोस्ट पॉल्यूटेड है। फिर गाजियाबाद है, फिर बुलंदशहर है, ये आपकी, फिर ये जलालपुर है आपकी, फिर भिवंडी है, फिर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जिन हिसार, और फिर चाइना की 15 पे। तो आप देख लो, फर्स्ट चाइना, 15 चाइना, बीच में सारे हिंदुस्तान। तो इतनी पुअर कंडीशन है मतलब हमारी इस चीज़ में, और हम थर्ड रैंक पे आते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में काउंट करेंगे, आफ्टर बांग्लादेश और एशिया के बाद में, मतलब पाकिस्तान के बाद में हम ही आ रहे हैं, ठीक है ना। 106 कंट्री की मॉनिटर किया गया है, उसमें से 24 जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड WHO के जो एनुअल गाइडलाइंस है PM 2.5 से लेकर उसको फुलफिल करती हैं। तो आप खुद देख लो कितनी बेकार कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और जो 2020 में कारण बताया गया है कि टिगर सीवियर एग्रीकल्चर बर्निंग, जो एग्रीकल्चर बर्निंग है वो राइज हुई है पंजाब में 46% ओवर 2019 से, तो वो एक कारण है, ठीक है, इस चीज़ का जो कारण बताया गया है। तो मैंने आपको दो तीन चीज़ बता दी कि IQAir स्विच बेस एक एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो ये निकालती है, ठीक है ना। PM 2.5 का ये एवरेज एनुअल निकालते हैं हर साल, ठीक है ना। इसमें इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, नॉट ए सिटी। सिटी में तो जाओगे तो दिल्ली कौन से नंबर पे आएगी, 10वें नंबर पे आएगा, उसके हिसाब से आप देखोगे तो, ठीक है ना। इंडिया की थर्ड रैंक आई है 2020 में, ठीक है। और पाकिस्तान, हमारे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी फर्स्ट सेकेंड है, और 106 कंट्री का ही निकालते हैं, बस इतना याद रखो। ऐसा मत करा करो यार, एल्डर वुमेन डाई आफ्टर सन स्लैप ऑन हर, माँ ने 9 महीना आपको पेट में पाला है यार, तुम उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकते। फिर दूसरी एक रिपोर्ट आई है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ लिखना होगा। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, इसने एक इंक्वायरी किया, एक पता लगा है कि नो वुमेन SHO, दिल्ली के अंदर एक भी वुमेन SHO नहीं है किसी भी थाने में। तो ये किसने पता निकाला, 178 पुलिस स्टेशन हैं और एक भी जहां वुमेन पैनल सेट आपको मतलब 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द फोर्सेस, ठीक है ना।
उन्होंने ऐसा बोलने की बात की यार एक भी वुमेन नहीं है। शॉकिंग की बात यह है कि एक भी वुमेन ऐसा सच्चू नहीं है दिल्ली पुलिस के अंदर जो थाने को हैंडल कर चुके। इवन उन्होंने एक एग्जांपल दिया जो जीबी रोड है, ये मतलब यहाँ पे मतलब ये थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन वाली रोड है कि जीबी रोड जो है यहाँ पे तो एटलीस्ट कोई वुमेन एसएचओ होनी चाहिए। ऐसा सीरियस कंसर्न जताया है आपका दिल्ली वुमेन आपको लिखने के लिए आ जाए, कहीं केस स्टडी में आ जाए, आप मेंशन इस चीज़ का कर सकते हो। देर इज नो सिंगल वुमेन एसएचओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब जामिया इस्लामिया की जो एग्ज़ाम है मतलब कि रीओपन किया गया है स्कूल को, फर्स्ट सेमर के एग्ज़ाम तो हो चुके थे, मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है इसके प्रोप्स एंड कॉन्स लिखने हैं, मतलब कि एडवांटेज क्या है ओपन बुक, ये अपने आप करना है। पांच पॉइंट लेके आना है, इनके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इंडिया में पहली बार मास स्केल पे ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए हैं, ओपन बुक मास स्केल पे। तो आपके इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। जब मैं 12th क्लास में था तब ओपन बुक की बात की जा रही थी, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट थी, अखिलेश गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला था कि ओपन बुक एग्जाम करेंगे, फिर वो गवर्नमेंट ही गिर गई, ठीक है ना। तो आपको इसके सोचने कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसके, ठीक है, किस कंट्री में ये ज़्यादा मार्क्स इसके लिए। जो आप वेस्टर्न कंट्री में जाओगे वहाँ पे मोस्टली ओपन बुक एग्जाम होते हैं, रिसर्च भी ओपन बुक होती है, अमेरिका में कनाडा में ओपन बुक एग्जाम होते हैं, रिसर्च भी ओपन बुक होती है। तो आप इसके एडवांटेज देख के आना कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मास स्केल पे हुए मे बी मेंस में क्वेश्चन या फिर कहीं पे आपको लिखने के लिए आ जाए। तो 5 से 6 पॉइंट इसके लिए सोच के रखो। अभी मैंने कल बताया था एनटीसी एक्ट जो आने वाला है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरियल जो अभी बिल 2021 लेके आने वाला है अमेंडमेंट बिल, इसमें वही बात की जा रही है कि जो पावर है आफ्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर की उसकी पावर को इंक्रीज किया जाएगा और गवर्नमेंट की पावर को कम किया जाएगा। तो कुछ अपने मतलब जर्नलिस्ट हैं, कुछ अपने एडवोकेट हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आप अकाउंट मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट को चुना गया है बाय द पीपल की, उसकी आप क्या कर रहे हो, पावर को मतलब कम कर रहे हो। आप सेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी है उसको इंक्रीज कर रहे हो, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पावर होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी बोलती है कि जमीनी स्तर तक जानी चाहिए, पर आप क्या कर रहे हो, सेंट्रलाइज कर रहे हो पावर को इस एक्ट को लाकर। इस एक्ट में ऐसा बताया कुछ क्लॉजेस हैं कि ज़्यादातर जो पावर आ जाएंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ जाएंगी, ज़्यादातर जो पावर आ जाएंगी, ठीक है ना, कोई भी पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली जाएगी, उसके इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसकी पावर को इंक्रीज करने की बात की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ठीक है ना। तो कुछ इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो ये एक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, डिफाइन किया था पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की और के मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की, क्या उनकी पावर है, क्या उनकी पावर है, पर उसको अगेंस्ट में करने के लिए बिल लेके आए हैं, ये वाला बिल जो पास हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपको क्या पढ़ना है इसमें जाके, पॉलिटी में जाना और लक्ष्मीकांत उठाना। लक्ष्मीकांत उसमें चैप्टर है आपका दिल्ली वाला, ठीक है ना, दिल्ली वाला चैप्टर है। जब आप जाओगे 371 स्पेशल स्टेटस के बाद चैप्टर है दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन वाला, वो पढ़ लेना जाके, वो पूछा जा सकता है। ये बिल नहीं पूछा जाएगा तब तक ये पास नहीं हो जाता, क्या पता इसमें कुछ चेंजेस किए जाए। तो मैं आपको बता दिया मैंने, तो कर्व करने की बात की गई है। देखो ये है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट टू फर्दर मतलब कि ट्रांसलेट द लिमिट द पावर ऑफ इलेक्टिकल स्टेट गवर्नमेंट, जो इलेक्टिकल गवर्नमेंट है उसकी पावर कर करके डायरेक्ट इंसर्ट द पीपल ऑफ दिल्ली हु इलेक्टेड दिस गवर्नमेंट। आप खुद बताओ डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और ठीक है पब्लिक द्वारा चुनी गई सरकार की आप पावर कम कर रहे हैं एक बिल ला के, तो एक तरह से ये प्रॉब्लम ही तो क्रिएट करेगा ना, ठीक है ना। फिर ये आता है आपका असम, ये मेरे एक गलत हो गया है, हट भी नहीं रहा है, ये कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, जो आपका असम अकॉर्ड है अभी जो वहाँ पे गवर्नमेंट है असम में, क्या है इलेक्शंस है, वहाँ की जो स्टूडेंट्स यूनियन है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने बोला है पहले आप अपना स्टैंड बताओ सीएए को लेकर आपका स्टैंड क्या है, उसके बाद हम गवर्नमेंट बीजेपी को फेवर करेंगे, ठीक है ना। जो आप बीजेपी डिस्ट्रॉय कर रही है सीए लाके असम अकॉर्ड को जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी, ठीक है ना, उसके लिए फेवर मांगा है, पहले अपने स्टैंड बताओ क्या करोगे। तो मैं आपको इसमें कुछ नहीं है न्यूज़ में, पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं आपको जो प्रॉब्लम है टशल है सीए के बीच में और असम अकॉर्ड के। देखो असम अकॉर्ड क्या बोलता है, जो 31 मार्च 1971 उसकी डेट है, उससे पहले जो वहाँ असम में आ चुके, 71 में वार हुई थी ना बांग्लादेश में, उससे पहले जो आ चुके वहाँ पे उनको मतलब वहाँ की सिटीजनशिप है, उसके बाद जो भी आएगा वहाँ पे वहाँ को सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा असम अकॉर्ड बोलता है, क्योंकि बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था रिफ्यूजीज का, ऐसा असम अकॉर्ड बोलता है। अब सीए क्या बोलता है कि जो 2014
मैं उस पर जाता हूँ सीधा। अब 2014 से जो पहले आ चुका ठीक है ना, उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ऐसा बोलता है आपका सीए। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, मतलब वही बात होगी। सारे जो हिंदू मूवमेंट हुआ था, मतलब रिफ्यूजी आए थे बांग्लादेश से, उधर सबको मिल जाएगी। अब तो असम अकॉर्ड है, असम अकॉर्ड के अंदर क्लॉज 6 है। एक पहले मैं क्लॉज 6 बताता हूँ क्या बोलता है। वो बोलता है कि जो एनवीसीज करता है अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन सेफ गार्ड शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व प्रमोट द कल्चर, ठीक है ना, उसके अंदर क्लॉज 6 है, प्रमोट द कल्चर सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ असामी पीपल। उसको बचा के रखना है कैसे, आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल से बचाओ, लेजिस्लेटिव से बचाओ, एडमिनिस्ट्रेशन सेफ गार्ड लेके आओ, पर असामियों के कल्चर सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बचानी है, ऐसा असम बोलता है क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड के अंदर। उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी लुक कर रही थी कैसे उन्हें बचा सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं असामी पीपल कल्चर, क्या हमें लेजिस्लेटिव क्या एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि सेफ गार्ड लेने चाहिए बचाने के लिए। ऐसा पहले भी हो चुका है 1805 में भी, और फिर ठीक है ना, लुक एट द इशू ऑफ बोडो। असम में क्या एक बोडो का भी इशू चल रहा है कि बोडो लैंड मांगने की बात चल रहा है, उसको भी देखने के लिए असम गवर्नमेंट ने बोडो लेजिस्लेशन टाइगर फोर्स ने एक कमेटी बनाई। देखिए कुछ कमेटी पास्ट में बन चुकी है, याद रखना ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है असम अकॉर्ड का, मैं आपको असम अकॉर्ड का बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कैबिनेट ने पास किया है आपका सिटीजनशिप बिल 2016। जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, 3 जो कंट्री से आएंगे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप। पर एज पर द असम अकॉर्ड क्या बोलता है, जो 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग आए थे उनको ही सिटीजनशिप दी जाएगी मिडनाइट 12 बजे तक। उसके बाद जो आए उनको मतलब कि वॉयलेट किया जाएगा असम अकॉर्ड के अंदर, उनको मतलब माइग्रेंट्स माना जाएगा, ना कि वहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक साइड आपने हमसे प्रॉमिस कर रखा है, एक साइड आप ये बिल लिया है, दोनों में लड़ाई वो हो गई। तो अब उन्होंने वही स्टैंड लिया है कि आप पहले क्लियर करो क्या करोगे, उसके बाद हम फेवर करेंगे। असम अकॉर्ड क्या है, ये 1985 में हुआ था, ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था साइन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के जो तरफ से आए थे, इंडियन गवर्नमेंट के, और असम मूवमेंट के जो लोग थे, मेनली उसमें वो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट यूनियन वाले, ठीक है। दिल्ली में हुआ था 15 अगस्त 1985 हुआ था, और इसमें क्या होता है असम एग्रीटेशन, उस मैंने आपको बताई दिया, बांग्लादेश की वॉर हुई थी, बांग्लादेश का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था 66 में 71 में, ठीक है, क्योंकि 10 साल में बहुत सारा मूवमेंट हो चुका था, क्योंकि बांग्लादेश में क्या था, इन मतलब कि लड़ाई चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान, और पाकिस्तान उसकी, तो मूवमेंट हो रहा था उधर से उधर, तो रिफ्यूजी जैसे म्यांमार के फिर रिफ्यूजी अब इधर की साइड आ रहे हैं, इंडिया के साइड आ रहे हैं, तो उसी टाइप का मूवमेंट हुआ था। तो हमने कट ऑफ डेट रखी थी, जो बांग्लादेश से 1971 से पहले आ गए चलो ठीक है, जो उसके बाद में आए हैं उनको वहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ऐसा एक कट ऑफ डेट रखी थी। अभी कट ऑफ डेट याद रखना ये वाली 24 मार्च 1971, तो ये असम अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है ना। अब इसके ही प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है आपका सीए, एक तरफ आपने मना कर दिया और एक तरफ आप देने जा रहे हो जो वहाँ पहले से रह रहे हैं, जिनके पास अभी तक सिटीजनशिप नहीं है, फिर तो क्या सब राइट मिल जाएंगे उन्हें, तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है ना, वहाँ के लोगों को उनकी एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, एजुकेशन में भी उन्हें राइट मिल जाएंगे, वोटिंग में राइट मिल जाएंगे, सब चीज़ में, तो वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसमें है, हिंदू पे आ जाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब हिंदू पे आगे चलते हैं, आगे क्या न्यूज़ आएगी, पहला जो एडिटोरियल आता है वो बताता है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड टू इथिकल गाइड रेल। एक तरह से इथिकल हमें चीज़ बनानी होगी कि रिस्पॉन्सिबल हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बना सके। आपने मूवी देखी होगी रोबोट चित्ती ऊपर हावी हो जाता है मतलब इंसानों के, तो इसी टाइप से इन्होंने कुछ बातें की गई हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये आर्टिकल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, 1000 रुपये वूमेन को, तो ऐसा फ्री का पैसा बांटा जाता है, ये हमारी गवर्नमेंट बताती है 1000 हर वूमेन को पैसा देंगे, 4000 राशन कार्ड को फ्री में देंगे, 100 रुपये प्रति गैस पे छूट देंगे, रिड्यूस करेंगे पेट्रोलियम और डीजल पे, मतलब प्राइस भी नीचे कर देंगे, फिर वो बोलते हैं हम 10000 देंगे, हम 5000 देंगे, तुम ये क्या कर रहे हो, वोटिंग खरीद रहे हो क्या, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए। एक आप बात करो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप बात करो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, भाई मैं भीख नहीं मांग रहा, तो मुझे रोजगार दे दे, मुझे ज़रूरत नहीं है भीख की। हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है, हेल्थ स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, इन चीज़ों की बात किया करो, ना कि फ्री में। कोई किसी को नहीं चाहिए, किसी को 1000 रुपये नहीं चाहिए फ्री में, किसी को 4000 नहीं चाहिए फ्री में,
तो मैंने थोड़ा बता दिया, पॉलिटिकल है, तमिलनाडु में इलेक्शन है। हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रिलेटेड आया? आप देखो बहुत बढ़िया चीज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार 1920 में, मतलब कि राइटर था कार्ल स्केपर, इन्होंने मतलब रोबोट को बताया था कि रोबोट ऐसी चीज़ होती है, इंटेलिजेंसी मशीन्स होती है रोबोट। तो ये उन सब की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब एक्सपोनेंट ग्रोथ है उसकी। मतलब कैसे ग्रोथ है? आप देखो, आप शॉपिंग कर सकते हो, जीपीएस मैपिंग कर सकते हो, वेब मतलब ईमेल सेंड कर सकते हो, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी हार्नेसिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब वो डिजिटल मीटर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक बता देंगे कितनी हुआ है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पार्ट है, ठीक है ना। इस सब करने से क्या होता है कि मोर डाटा जनरेट होता है, कि डाटा भी तो जनरेट होगा ना, स्मार्टर इज गेटर, मतलब स्मार्टनेस तो आएगी पर डाटा भी जनरेट होगा, ठीक ना। जितनी आप मतलब कि फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन चैंपियन जियोपरेडी, मतलब कि आप जैसे मतलब डाटा जनरेट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम करती है और इससे क्या होगा, एक ब्यूटी जनरेट होगी, बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, अच्छी बात की। जैसे ऑटोमेशन होगा, बिग डाटा जनरेट होगा, विल कंटिन्यू स्वीपिंग इन टू द न्यू कंसर्न ऑफ लाइफ। मतलब जैसे डाटा बढ़ेगा ना, आपकी लाइफ में थ्रेटर आना स्टार्ट होगा, कि प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, ठीक है ना। वो कैसे स्टार्ट होगी मैं आपको बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हेल्प कर सकती है हंगरी, मतलब जो इरेडिकेशन, जो हंगर प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकती है, ठीक है ना। और क्या कर सकती है? डिसीज़ पॉवर्टी को कम कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को मिटिगेट कर सकती है, मतलब क्लाइमेट को ठीक कर सकती है, एजुकेशन को, साइंटिफिक को डिस्कवरी कर सकती है, बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकती है। अब ये काउंट करेंगे क्या बेटर है, क्या खतरनाक है, वर्स की कैसे, ठीक है ना। पहले ही बताएंगे बेटर कि इन फील्ड इंक्रीज में, मतलब क्रॉप की जो इन ईल्ड है उसको इंक्रीज कर सकती है, बिजनेस को बढ़ा सकती है। आप खुद सोचो, आर्टिफिशियल यूज़ करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, जो कैंसर बीमारी सोचते हैं उसको इरेडिकेट कर सकती है। और ऐसे ही करते करते जो 2030 तक 50 ट्रिलियन वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रीब्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हो जाएगा। अब आप क्या है, गूगल टेल मी अबाउट नियर रेस्टोरेंट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो है। गूगल से आपने पूछा एलेक्सा प्ले द म्यूजिक फॉर मी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो है, ठीक है ना। तो ये पूरे वर्ल्ड में 15 ट्रिलियन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी ऐड कर देगी 2030 तक, और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 14% ये हो जाएगा। ऐसी संभावना लगाने की मतलब हो सकता है। आरटी जो है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको अच्छा करने के लिए काम कर सकती है, जो उसके पॉइंट है 79% तक अच्छे तक ले जा सकती है, सब चीज़ों में काम कर सकती है। सारी बात अच्छी अच्छी बात होगी। अब प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम नंबर वन जो आप सुनोगे, पहली प्रॉब्लम आएगी, मशीन और ह्यूमन चेंज हो जाएंगे। उससे क्या होगी, मशीन आ जाएगी, इंटेलिजेंस मशीन। जो लो इनकम वर्कर हैं, इन अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब कम हो जाएंगी, पहली प्रॉब्लम ये है कि जॉब कम हो जाएंगी, मशीन टेक ओवर कर जाएंगी इंसान को। कि देखो सेल्फ, मतलब आपके केस्को वाली मशीन है, वो कैशियर की तौर पर काम करती है। आप बैंक में जाते हो, एटीएम लगाते हो, तो केओस्को की मशीन है, वो आपको पैसे देती है कैशियर की फॉर्म पे, तो कैशियर की पोस्ट कम हो गई ना, रिप्लेस कर गया उसे वर्क उसको, ठीक है ना। सीरियस उससे क्या होगा, जब लोगों की जॉब चली जाएंगी तो इनइक्वलिटी आ जाएगी, कनेक्टिंग है इनइक्वलिटी, ठीक है ना। अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, तो इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, पहला जॉब गई, इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। बिग टैक, बिग फोर जो कंपनी अल्फाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, अमेजोन, एप्पल, फेसबुक, इनकी इकनॉमी इतनी ऊपर पहुंच जाएगी, इम्पैक्ट आ जाएगा एक सोशल थिंग पे, ठीक है ना। इतनी ऊपर इनकी इकनॉमी पहुंच जाएगी, ये पूरे एक गवर्नमेंट ही बन जाएंगे अपने आप में। तो ये सारी बात इसमें की जा रही है। आपने देखा होगा कि पेंडेमिक टाइम चल रहा था, ठीक है ना, पेंडेमिक टाइम चल रहा था, ये सारी कंपनी ग्रो कर रही थी, इतना ग्रो करी कि मिलियन और बिलियन तक इन्होंने ग्रो किया। पर एक लोकल जो आदमी है, जो काम कर रहा था इनफॉर्मल सेक्टर में, वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मतलब इनके हाथ में एक तरह से कमान आ जाएगी चीज़ों की, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये है। फिर चौथी प्रॉब्लम जो है आपकी प्राइवेसी कंसर्न, मतलब प्राइवेसी डाटा। आप क्या करते हो, एक तरह से क्या कर रहे हो, आप डाटा जनरेट कर रहे हो, डाटा जनरेट करने के एक न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर रहे हो, तो उससे क्या बढ़ रहा है कि डिजिटल फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट इंक्रीज क्या करता है ना, तो उससे क्या करता है, आपको कंसर्न आ जाएगा, मतलब आपकी सिक्योरिटी के ऊपर, आपका सारा डाटा लिंक है। अब इन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी बताई है कि फ्लोटिंग जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हो रही है, हम 24 घंटे फ़ोन के सामने चिपके चिपक के बैठे रहते हैं, एडिक्टेड हो गए मतलब कि टू द डिवाइस, मतलब तो हम क्या हो गए,
एक फोन, मेरा फोन 10 मिनट किसी के हाथ में दे दो, या तुम्हारा फोन मेरे हाथ में दे दो, खोल के मैं आपका माइंडसेट बता सकता हूँ, आपकी सोच बता सकता हूँ, और आप पूरे दिन क्या करते हो सब कुछ बता सकता हूँ, आपका फोन किसी को दे दो। तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि आपने एक मूवी देखी हॉलीवुड में कि ऐसा टाइम आएगा कि फोन आपका मतलब जी और जान हो जाएगा, 10 मिनट आपका फोन आपसे दूर हो जाए, आपको ये नहीं पता कि कब क्या चीज़ मैंने खो दी। ठीक है ना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई है। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी थी, उसने क्या किया था, वो डाटा को मतलब खरीद के डाटा चोरी करके, और भी बहुत सारे फेसबुक के भी कंप्लेन आई थी, वो क्या करते थे, वोटिंग डिसीजन को चेंज करते थे लोगों के। जैसे मैंने बता दिया आप बीजेपी के फेवर करते हो, ठीक है ना, आपके फ़ोन आप लाइक करते हो बीजेपी के, आपके स्टिकर्स लाइक करते हो, कुछ करते हो, उनको पता लगेगा कि आप बीजेपी के फॉलोवर हो, फिर वो डाटा को कंसर्न करेंगे कि ये लड़का ये लड़की बीजेपी को फॉलो करती है, फिर अगले 10 दिन तक इसको एंटी बीजेपी न्यूज़ दिखानी है, कि एक तरफ इसका माइंड चेंज करना है 20 दिन के अंदर। ठीक है ना, बीजेपी कांग्रेस वालों ने पैसे दे दिए कि इन लोगों का माइंड चेंज करो, फिर वो आपको एंटी बीजेपी न्यूज़ ही दिखाते रहेंगे पूरा दिन। तो एक टाइम पे आप सोचोगे यार बीजेपी इतना गलत कर रही है, नहीं यार बीजेपी गलत पार्टी है, मैं मेरी सोच गलत थी, तो एक आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, तो वोटिंग डिसीजन आपका चेंज कर सकती है। ये चीज़ है, हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा, आप कुछ चीज़ सर्च करो, थोड़ी देर फेसबुक खोलो और आप फेसबुक को वो इसका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा आपको, तो वो क्या है, वो सब डाटा चोरी हो रहा है आपके पीछे बैठ के। आप एक मूवी देखना, मूवी है मतलब नेटफ्लिक्स पे है, कि कैसे आपको पता ही लगता है डाटा, इतने सिंपल वे से आप खुद डाटा चोरी करवा रहे हो, आप अपना डाटा खुद चोरी करा रहे हो। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करेगी, वो डाटा जनरेट करेगी, डाटा जनरेट करने से कुछ कंसर्न्स और बढ़ते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी, ठीक है ना, और फिर मतलब ये जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको मतलब मोर पावर मिलेगी सोसाइटी में, ठीक है ना, ये कुछ कंसर्न्स ऊपर जा सकती है। फिर इंश्योरिंग ह्यूमन फ्यूचर, भाई ह्यूमन का फ्यूचर क्या बचेगा, वही चित्ती वाली स्टोरी, रोबोट वाली, बायस्ड हो जाएगा, इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंटी, सिविल, इन सब चीज़ मतलब इतनी सब चीज़ तुम्हारी कम हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं लाइफ में, पूरी सोसाइटी के ऊपर कंसर्न्स आ जाएगा। इसमें पढ़ने की बात क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी, अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए चीज़ों को डेवलप करते हुए, और हमें डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वी आर मूविंग इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमें ज़रूरत है एक इथिकल गाइडेड रेल लाना होगा, मतलब इथिकल वे में हमें काम करना होगा, जो इंस्टीट्यूशन है यूनियन सिक्योरिटी जनरल का एक रोड मैप बनाना होगा डिजिटल कॉपरेशन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों पर हमें वर्क करना होगा, ठीक है ना। फिर यूनेस्को ने भी एक डेवलप किया है कि ग्लोबल और कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड डेवलप किया है, तो इस तरह से इथिकल वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ करना होगा, ना कि अनइथिकल वे में। और हमारी कंट्री में मतलब कहूँगी नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर AI फॉर ऑल स्ट्रेटेजी के लिए, तो उस तरह से हमें इथिकल वे में काम करना होगा। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने एक्सट्रैक्ट किया है कुछ उसके एडवांटेजेस और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। एक तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो प्रॉब्लम्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार आ सकती हैं AI का यूज़ करके, बस मैं आपको पॉइंट पॉइंट बताऊँगा, आप खुद पढ़ लेना। डिजिटली असिस्टेंट एंड स्मार्ट स्पीकर, Siri, Alexa, Google असिस्टेंट, तो आप क्या करते हो, दूर खड़े हो, प्लीज़ टेल मी द स्कोर ऑफ यस्टरडे मैच, कि इंडिया हार चुकी है, ठीक है ना। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तो पॉइंट है, आप सर्च करोगे विद इन मिनट आपको ट्रांसलेशन कर सकते हो। मैं अभी स्पेनिश में मुझे बात करनी है, मुझे तो नहीं आती स्पेनिश, हाउ कैन आई सर्वाइव इफ आई गो इन स्पेन, आई एम यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इधर से हिंदी में बोलूँगा, उधर वो स्पेनिश में कन्वर्ट करके उनसे बोलेगी, तो इसका यूज़ हो सकता है। फेशियल रिकोगनाइजेशन, आप फेस फोन को अनलॉक कर लेते हो फेस से। मेडिसिन, टेली मेडिसिन, मैंने आपको बताया था ई संजीवनी, बताया था ई संजीवनी और संजीवनी, ई संजीवनी जो है वो आपको, संजीवनी जो है वो तो कनेक्ट करेगी आपके प्राइमरी हेल्थ केयर को, पूरे सिस्टम को कनेक्ट करेगी एक एक साथ, सारे प्राइमरी टर्सी, सारे हॉस्पिटल को। ई संजीवनी जो है आपको डॉक्टर से कनेक्ट करेगी, तो मैंने दो पोर्टल बनाए थे, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही पार्ट है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, रोबोट का यूज़ कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक डाटा तैयार करोगे 10,000 आदमियों का, TB पेशेंट्स का, ठीक है ना, ये बीमारी थी, ये दवाई इन्होंने ली, ऐसे से ठीक हुए, उसको एक रोबोट के अंदर फीड कर दोगे, इंसान जाएगा रोबोट के अंदर अपनी कंडीशन बताएगा, ये प्रॉब्लम है, वो एनालाइज करेगा, जब 10,000 का उसके अंदर डाटा है कि हाँ इस आदमी जैसी प्रॉब्लम है इन्हें, वो क्या बताएगा, इस आदमी ने ये दवाई ली थी, वो आपको सजेशन बता देगा ये दवाई लो, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज हो सकती है इनकम एग्रीकल्चर कम्युनिटी की, बिजनेस सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं आप चीज़ों को। तो आप सोचना कैसे करोगे, एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल, स्मार्ट क्लास, ये वो दुनिया भर की चीज़ है। फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने आपको बता दिया, ATM का एग्जाम्पल लिख देना, KYC मशीन है,
ठीक है ना, ये सब आर्टिफिशियली काम करती हैं। लीगल सेक्टर में कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम है कोई लीगलिटी लेनी है, वही डाटा को एनालाइज करके रोबोट के अंदर फिट कर दो, पता लग जाएगा कौन से केस में कौन सी सजा क्या, वो अपने आप बताता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले सकते हो यूज़, रोबोट बनाने स्टार्ट आ जाएंगे। मेडिसिन में क्या, वो ऑपरेशन करने के लिए रोबोट आ गए हैं अब तो, ठीक है ना। इंटेलिजेंट रोबोट डेवलप कर सकते हो, घर का काम करे आपको, ये सब चीज़ों का काम करे। साइबर सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हो, ई गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट सिटी में, हर चीज़ में। इनसे आप दूर नहीं जा सकते, ऐसा ये पूरा आर्टिकल बोल रहा है। पर आपको क्या करना है, इथिकल फॉर्म में। प्रॉब्लम क्या है, जॉब लॉसेज उसमें भी आया था, मैंने आपको बताई, रोबोट तुम्हारे बॉस हो जाएंगे, ऐसा याद रखना आने वाले टाइम में। अगर ऐसे ही चलता रहा, रोबोट बॉस हो जाएंगे या रोबोट बनाने वाली कंपनी आपकी बॉस हो जाएंगी। क्या वो आपके अंदर भर रहे हैं, आपके अंदर बताओ, आपके फ़ोन आपके हाथ में, आपका डाटा फिर भी चोरी हो रहा है। रोबोट डेवलप किया आपके किसी कंपनी ने, आपके घर में आप खरीद के लिया है, क्या पता वो कंपनी आपको उसमें रोबोट वो आँखों से देखेगा देखेगा, क्या पता आपके घर पर निगाह रख रहे हो, तो रोबोट एक तरह से बॉस हो जाएंगे। ह्यूमन एरर, भाई वो तो एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ठीक है, कोडिंग सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है ना, मे बी गलती वो भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हुआ है, जैसे आपका चैटबोर्ड था माइक्रोसॉफ्ट का, टाई ट्विटर था, इनसे गलती हुई है बहुत ज़्यादा। और एक हायर कॉस्ट, आप खुद बताओ कि युगांडा सोमालिया क्या इन्हें रोबोट को ले पाएंगी, तो हायर कॉस्ट आएगी चीज़ों को बनाने में। नॉट इथिकल टू रिप्लीकेट ह्यूमन, ठीक है ना, ये इथिकल भी नहीं है तो रिप्लीकेट करना ह्यूमन को, ये भी एक गलत चीज़ है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस इज बिलीव टू द गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमें नेचर से गिफ्ट मिला है कि हम सोचने समझने शक्ति रखते हैं, ठीक है, हम इंसान है, वो हम पे इंसान नहीं आ सकते। कैन नॉट रिप्लीकेट ह्यूमन, यही सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। प्राइवेसी सिक्योरिटी कंसर्न मैं आपको बता चुका हूँ, पर इंडिया में हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल का इंडिया में कैसे। एक तो डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसमें बहुत हेल्प मिल सकती है, जैसे यूनिक्यू ब्रांड, हमने AI फॉर ऑल, हमने ऐसा ट्रेंड भी चलाए हैं। टारगेटिंग डिलीवरी कर सकते हैं, सर्विस स्कीम्स प्रोवाइड करने में, स्मार्ट बोर्ड सर्विलांस मॉनिटरिंग आपके सिक्योरिटी के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बिग डाटा ऑफ रोड सेफ्टी के लिए, क्राइम के लिए, वो NCRB जो हमारा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, काउंटर सर्जरी पेट्रोलिंग में यूज करते हैं, बॉर्डर पर इतने हमारे आदमी मरते हैं, CRPF जवान मरते हैं देश के अंदर इंटरनली, उनको कम कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर को कि जल्दी हो, मॉडर्नाइज कर सकते हैं अपनी हेल्थ सेक्टर को, ठीक है ना। रिमोट एरिया जो है अपने, जहाँ पर सर्विस नहीं प्रोवाइड हो सकती, वहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जॉब दे सकते हैं। जैसे रिमोट एरिया होता है, भाई मैं नहीं जाऊँगा नक्सल एरिया में जॉब करने, मेरा तो इच्छा नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होता है तो वहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। रोबोट भेजेंगे हम, टेंशन मत लो, इसका यूज़ करेंगे हम। ये कुछ एग्जाम्पल है, ट्राइबल एरिया में लोग नहीं जाते हैं, हिल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। मेरा मकसद था उससे एक्सट्रैक्ट करके कुछ पॉइंट, उसके भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड करके आपको इसमें से बताया जाए, क्योंकि एक ऐसे पूरा एक टॉपिक बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड। दूसरा जो रिलेटेड आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको बताया, दोबारा चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है ना। 62% अनफिल्ड वैकेंसी हैं इतनी आपकी शेड्यूल कास्ट, इन सबकी, इन सारी यूनिवर्सिटी में, इसमें ITs में, इग्नू में, संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कल भी मैंने बताया था। सेंट्रल एजुकेशन आपका एक एक्ट है 2019 जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है टीचर को, इस एक्ट को हटाने की बात चल रही है, बिकॉज वी नीड ए क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। अब तो उसमें रिजर्वेशन मत लाओ, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आप डिप्रेस कर रहे हो डिप्रेस क्लास को, ये सारी इसमें बात चलेंगी। तो आपको लिखना है, बहुत फेवर में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है, तो आप लिखना कि हमें ऐसा भी नहीं है, वी हैव टू ऐसे कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए जो हमें फैकल्टी, क्या नहीं SC में क्यों नहीं मिलेंगे, ST में क्यों नहीं मिलेंगे लोग पढ़े लिखे, आप प्रोग्राम तो चलाओ, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, कोई ट्रांसपेरेंसी लाओ। आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि कोई फैकल्टी, मैंने हिंदू पढ़ लिया, अब कितने लोगों ने SC वालों ने हिंदू पढ़ा होगा, अब उनके पास नॉलेज तो है ना, पर उन्हें पता नहीं है। आप प्रोग्राम चलाओ, एडवर्टाइजमेंट निकालो, अखबार में निकालो, वी नीड अ फैकल्टी, तो उस क्वालिटी को चेक करो, क्वालिटी रखो जितनी फुलफिल कर पा रहे हो, तो एक बैलेंस में आप नीचे आपको लिखना। अब ये नहीं है कि आपको फैकल्टी मिलनी, पर ST का, SC या ST या OBC कैटेगरी का आपको रखना ही है, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके पास है नहीं, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी है नहीं, तो वो भी ज़रूरी नहीं है आपको फुलफिल किया जाए। ये आर्टिकल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये आर्टिकल माल्या वाले को कैसे वापस लेके आएंगे, CBI का क्या रोल रहेगा, ठीक है ना। CBI क्योंकि हमारी जो हमारा इंटरपोल की जो पुलिस है, CBI वॉच उसे देखती है, ठीक है ना। एक्सट्रेडिशन कैसे किया जाएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हुए थे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बैंकिंग कोर सिस्टम हुआ था बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो आपको पढ़ना है, पढ़ लेना, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक
नॉन फिल ह्यूमन राइट रिक्वायरमेंट, मतलब उन्हें एक ह्यूमन राइट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे क्या बोला था माल्या ने, क्या बोला था जी वो आपका ब्रिटेन कोर्ट में, क्योंकि तो ब्रिटेन नागरिक है उसके पास है, उसने क्या बोला था कि मुझे यहाँ से इंडिया सेंड किया जाएगा, इंडिया की जो जेल्स हैं उनमें इनह्यूमन, मतलब एक तरह से इनह्यूमन मतलब तरीके से इंसानों को रखा जाता है, मुझे वहाँ पे सेंड नहीं किया जाए क्योंकि वहाँ का नागरिक है, तो उसकी बात सोची जाएगी। तो उसने क्या बोला कि मुझे यहीं से ट्रायल स्टार्ट किया जाए ऑनलाइन मेरा, कि मैं यहाँ से दे सकूँ। अब नीरव मोदी को लाने की बात चल रही है, उसे कैंसिल कर दिया आपके इंग्लैंड कोर्ट ने भी पिटीशन कि नहीं इंडिया एक्सट्रेड किया जाएगा, यहाँ से इंडिया सेंड किया जाएगा। तो वही सारे रूल की उन्होंने बात की है, सीबीआई, मोदी गवर्नमेंट, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बात आ जाए ना, गवर्नमेंट के ऊपर इशू आ जाए कुछ भी लिखता हुआ अखबार में, तो जब ही आप पढ़ना बंद कर दो। या पर्टिकुलर किसी इंसान की बात कर रहा हो, इंटेलेक्चुअल ना मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान उसकी बात कर रहा हो, तो आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहिए। यदि वीज़ा मान लिया, तो ये सारे फ्रॉड जो इतने हैं इंडिया के, उनकी सबकी इसमें बात की गई है। दूसरा आता है इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ नॉट इन हेल्थ केयर। मैं आपको जिस्ट बताता हूँ इसके आर्टिकल का क्या है। हमें इन्वेस्ट करने चाहिए पब्लिक हेल्थ में, ना कि हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर क्या बोलते हैं, आपने हॉस्पिटल बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया जी भाई साहब, सब जाएंगे, उसमें पैसे वाला आदमी आया गया, ठीक है ना, उसका इलाज बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है भैया बहुत बढ़िया इलाज हुआ। आपने बनाया हुआ हेल्थ केयर सिस्टम, डॉक्टर बढ़िया, पैसे वाला है, उसका इलाज बढ़िया। वॉट अबाउट पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ बोलता है जो भी आएगा, चाहे गरीब आए चाहे पैसे वाला आए, ठीक है ना, सबको अच्छा इलाज मिलेगा, ये बोलता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक आ गया ना, नॉट फॉर प्रॉफिट। हेल्थ केयर ठीक है भाई, दिल्ली में 50 अस्पताल है, 20 प्राइवेट है, 50 अस्पताल है, 40 प्राइवेट है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम कहाँ है? एम्स के बाहर लोग बोतल लगा के लौटे हुए हैं, ऑपरेशन उसका कल हुआ है पर वो ग्राउंड में लेटा हुआ है बोतल लगा के, देख के आपको जाना है एम्स के बाहर जाओ, वो पब्लिक हेल्थ है, हमें वो डेवलप करनी चाहिए, ये इसका जिस्ट है। अब क्या क्या प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं कि मैं अस्पताल बना दी बात खत्म। फ्रॉम आशा वर्कर, जो गांव में आशा वर्कर्स होती हैं, आपके घरों में आती हैं, आपको बताती हैं फैमिली प्लानिंग, औरतों को कॉन्ट्रासेप्टिव गोली देती हैं, पैड प्रोवाइड करवाती हैं, सब कुछ प्रोवाइड करवाती हैं। फ्रॉम आशा वर्कर फॉर बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, फॉर हायर जो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, सबको डेवलप करना है एक साथ, ना कि हम इनको डेवलप कर दें हायर इंस्टीट्यूशंस को या टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर को और आशाओं को छोड़ दें, ऐसा नहीं, वो सब एक पब्लिक हेल्थ के पार्ट है, सबको हमें डेवलप करना है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया। दूसरा जो बोला गया है, फ्रॉम होम क्वारंटाइन, जो घर में क्वारंटाइन करते हैं उससे उसे बाहर ले जाके क्वारंटाइन करेंगे, सब चीज़ को डेवलप करना है। फ्रॉम सोसाइटी ग्लिस्पिन टू हाउ मॉडर्न मेडिसिन वर्क, कि मॉडर्न मेडिसिन कैसे वर्क करनी, सबको डेवलप करना है, ठीक है ना, विद ए सिंगल माइंडेड आपका आपका डिवोशन टू ड्यूटी, मतलब एक ड्यूटी को डिवोशन रहना चाहिए, पब्लिक परसेप्शन से काम करना है, मतलब पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच रखनी है, ना कि आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर एरिया के बारे में। आपने बना दिया सर गंगाराम हॉस्पिटल बना दिया, आपने बीएलके कपूर हॉस्पिटल बना दिया, भाई उसमें आप लेने जाओगे पहले आपको पैसा वो भरवाते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। आपको एम्स डेवलप करो, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करो, हम पब्लिक हेल्थ के लिए बोल रहे हैं ना कि हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने के लिए, तो वही इसमें कुछ चीज़ बताई गई है। अब इसमें हेल्थ केयर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वही इसने डिफरेंस बताया कि हेल्थ केयर कैपेसिटी क्या होती है, कि इंडिया रैंक मतलब वर्ल्ड में बेस्ट है हेल्थ केयर में, हमारी रैंक जो है बेस्ट है, कि हम अगर कोई हमारे यहाँ से विदेशों से इलाज कराने आते हैं, आप अगर जाओगे ना मेदांता में, अपोलो में, इनमें जाओगे तो विदेशों से इलाज कराने आते हैं, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है वर्ल्ड में, एक तरह से सस्ते में बढ़िया इलाज करके देते हैं, ठीक है। पर स्टोरी आती है पब्लिक हेल्थ से रेफर, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड स्टोरी आती है, ठीक है ना। एक अच्छा सिक पर्सन जो इस पब्लिक हेल्थ रेफर क्या करता है, ए ट्रांजेक्शन बिटवीन वन हेल्थ केयर गिवर एंड वन मतलब सिक पर्सन एट ए टाइम, ये हेल्थ केयर बोलता है। पर पब्लिक हेल्थ क्या बोलता है, कि एक सिस्टम है और बहुत सारे उसमें डिसीज हैं, एक साथ को कंट्रोल करना है, मतलब वही मैंने आपको बोला कि गरीब और पब्लिक हेल्थ क्या बोलेगा, अमीर आया अमीर का इलाज बढ़िया हो गया, वर्ल्ड क्लास में हो गया, ठीक है, पर वाट अबाउट गरीब जो उसके बर्डन है उसके ऊपर, ठीक 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 है ना। तो इसमें सारी बात ये की गई है, सबसे बड़ी बात की है आपको डाटा, आपको डाटा तैयार करना है, आपके पास डाटा ही नहीं है किसको कितनी बीमारी है, किस एरिया में किसको क्या है, तो फिर आप कैसे किसको पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करवाओ जाओगे। सबसे बड़ा बर्डन जो आपका डिसीज़ है, डिसीज़ का रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है, कितनी डिसीज़ कहाँ पे बढ़ी है, तो मैं आपको इस पॉइंट बताता हूँ, बस वो याद रखना। एक तो रियल टाइम मॉनिटरिंग ठीक है होनी चाहिए, और डाटा रिक्वायर होना चाहिए बेस्ड ऑन डिसीज़ बर्डन,
कि HIV है, पोलियो है, कोविड है, तो उसका डाटा आपके पास होना चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि डाटा ही आपको चीज़ें बताएगा कि क्या किसकी प्रॉब्लम है, कि आपको क्या करना है, कि मतलब डायग्नोस बढ़ाना है, क्या करना है आपको, वो डाटा ही बताएगा कि आप बताओ COVID-19 पेशेंट से आपके पास डाटा है, कितने क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो पूरा डाटा है ना, वही आपको बताएगा। तो डाटा और रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये दो चीज़ इन्होंने इसकी सारी बात की है कि कैसे हमने पोलियो को, HIV को इरेडिकेट किया डाटा डेवलप करके। तो ऐसे ही हमें कोविड को इरेडिकेट करना है कि डाटा डेवलप करके, कि कितना पॉपुलेशन के पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी पॉपुलेशन को ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, लेप्रोसी है, एड्स है, उनका डाटा आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। तो वही ये बात कर रहे हैं। देखो इन्होंने बात की कोविड की, बात की इतने केसेस आ रहे थे, 20-20 हर केसेस आ रहे थे, जो अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी इन्फेक्टेड, मतलब प्रोबेबली एक कंडीशन लगाई जा रही है, 50-70% लोगों को हो चुका है COVID-19, निकल चुका है, नियर अबाउट 80 मिलियन पीपल को हो चुका है, और डिडेक्ट कितने हुए अब तक, 11 मिलियन। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा सीरो सर्वे कंडक्ट कराया गया था रेंडमली, उसके अकॉर्डिंग ऐसी रिपोर्ट बोल रही है कि नियर अबाउट 50-60% लोगों को कोविड होके निकल चुका है। तो आपके पास एक प्रॉपर डाटा ही नहीं है, तो आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करोगे, ठीक है ना? तो आपको सोशल वैक्सीन कैसे आप डेवलप करोगे? सोशल वैक्सीन क्या होते हैं, मतलब पब्लिक हेल्थ को मतलब इंबूस्ट करने के लिए। सोशल वैक्सीन क्या होती है कि सबको दवाई एक रूप में दी जाए, तो आप वो कैसे डेवलप करोगे, सारी बात इन्होंने डाटा की और रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की गई। अगर आपसे ये अच्छी तरह से करोगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से ट्रैकल कर पाओगे, ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर यू हैव टू इन्वेस्ट इन द पब्लिक हेल्थ। तो इन्होंने सारी बात ये की है। BJP का नाम सुनती है, आर्टिकल पूरा काट दो। तो ये हमारा आर्टिकल था जो रिलेटेड था। अब आता है रोबस्ट द इकोनॉमी रिलेशन। अभी क्या है, US में नए आए हैं, इंडिया, मैंने बताया ना, ये आप इतनी बार पढ़ोगे US इंडिया, आप एक अच्छा खासा 250 वर्ड में लिख सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट बताता जा रहा हूँ, बस क्या क्या पॉइंट है। टाइम आ गया है GDP इंप्लॉयमेंट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं US के साथ मिलकर, पहला लाइन ये बोला। फिर हम ग्लोबल जो आपकी वैक्सीन है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, जो IPR रीजन है उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सचेंज कर सकते हैं, हेल्थ केयर एक्सचेंज मतलब उनकी टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, वो हमारी टेक्नोलॉजी सीखेंगे, वो हमारी वैक्सीन बनाएंगे, हम उनकी तरह मतलब टेक्नोलॉजी। तो हेल्थ केयर को एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे आप काम करते हो इस चीज़ के लिए, कैसे हम करते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं। फिर रीस्टोरिंग कर सकते हैं आपका, मतलब GSP जो सिस्टम था उसको रीस्टोर करने की बात की, जब हमें प्रेफरेंस दो दोबारा से रीस्टोर करो GSP, जो हमारा जनरल आपके जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उसको री करने की बात की है, उसे रीस्टोर कर दो दोबारा से। अब हेल्थ केयर एक्सचेंज में क्या था, देखो कितने लोग मरे US में, कितने लोग मरे, इन कम्पेयर टू उससे थोड़ा बहुत ठीक था इंडिया में, पर प्रॉपर रिपोर्ट ही नहीं है, डाटा ही नहीं है हमारे पास, वो तो जो चल रहा है जो बड़े इंस्टीट्यूशन ने बता दिया वही डाटा चल रहा है। फिर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है एज़ कम्पेयर टू US, ठीक है ना, इंडिया ने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ कंट्रोल किया है, बहुत बड़ी बात है उस चीज़ में भी, 130 बिलियन US में तो 20-30 करोड़ लोग रहते हैं, उससे तो हमारे 3-4 गुना ज़्यादा है, कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। तो US भी हमसे कुछ सीखेगा इस चीज़ के बारे में कि कैसे कंट्रोल किया, ठीक है ना, एक तो ये भी सिस्टम है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात की जाएगी, फिर मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल लेबर जो होती है, हमारे यहाँ से काम करने जाते हैं ना इमिग्रेंट, काम करने जाते हैं विदेश में, तो उसके ऊपर बात करनी। तो आप इशू लिखते रहो, हेल्थ केयर एक्सचेंज हो गया फर्स्ट, GSP हो गया आपका सेकंड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया थर्ड, अब मोबिलिटी प्रोफेशनल जो लेबर्स जाती हैं, जो आपके वीज़ा होते हैं H1B वीज़ा, H1B1 वीज़ा, HJG वीज़ा स्टूडेंट के लिए, तो वो उस पर बात अच्छे से करो, स्मूथ कर दो उसे। सोशल सिक्योरिटी वाली जो स्कीम्स होती हैं, मतलब आप कैसे काम करते हैं वो हमें बताओ। डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे मतलब को डेवलपमेंट करेंगे डिफेंस इंडस्ट्री का, एरोस्पेस को साथ में मिलके। फिर स्मॉल सेक्टर मीडियम एंटरप्राइज में बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप पॉइंट लिखते जाओ। फिर हम बात कर सकते हैं क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज की जो बात है, ये सब चीज़ बताई गई है, प्रपोज है, मतलब ये चीज़ें हैं, आप कैसे रिलेशन अच्छी कर सकते हो इन सारे फील्ड में, कौन कौन से फील्ड है, मैं आपको फील्ड बता रहा हूँ बस, क्लीन एनर्जी और फिर क्लाइमेटिकल चेंज, आपकी हाई प्रायोरिटी है US की है, ठीक है ना, रोबोटिक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आप अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, इंडिया का जो IPR रीजन इम्प्रूव कर सकते हो, जो IPR है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके कितने कम है उसको इम्प्रूव कर सकते हो US के साथ मिलकर, ठीक है ना। एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन सबको इन्हेंस कर सकते हो आप US के साथ मिलकर, अगर आप अच्छे से रिलेशन बना के आगे चलोगे, ये इसमें बात की गई है। इसमें याद रखना आपका
पेरियार जो सुप्रीम कोर्ट का ही डाम का है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। इसमें इशू किसका है, केरला का, तमिलनाडु का इशू, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि आप रूल गाइड दिखाओ, जो रूल गाइड कहाँ है वो, जिस हिसाब से आपने इसके पानी वानी का बंटवारा किया था। राज्यसभा पासिस द MTP बिल, लोकसभा में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, राज्यसभा इसे पास कर चुकी है। कुछ मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, फिर वहाँ नोट्स में से बताऊँगा। पहले क्या होता था, मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 20-24 वीक तक किसी को टर्मिनेट करवाना अपनी प्रेगनेंसी को, मतलब कुछ प्रॉब्लम डिफॉर्मेलिटीज आ रही है, तो 24 वीक तक परमिशन है, पर उसके लिए दो प्रैक्टिशनरी जो डॉक्टर्स होते हैं, दो की ज़रूरत होगी। पहले 20 तक था, अब 24 तक कर दिया है इन्होंने, दो की ज़रूरत होगी, उसके बाद हाई कोर्ट के पास जा सकते हो आप, ठीक है ना। पहले क्या था कि 12 वीक तक एक की ज़रूरत होती थी आपको, 20 वीक तक दो की ज़रूरत होती थी, अब इन्हें बढ़ा के 20 से 24 वीक कर दिया, पर दो डॉक्टर की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है ना। और स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड एसेंशियल होगा, मतलब ओपिनियन उसका, मतलब उसका भी ओपिनियन एसेंशियल होगा। बिल पास हो चुका है लोकसभा में, मार्च में हो चुका है, और अब राज्यसभा में भी हो चुका है। ओरिजिनली जो बिल था 1971 वाला था, MTP जो बिल जो अमेंडमेंट किया है 2021 वाला, ये 2071 वाले को चेंज किया है। उससे पहले इंडिया में क्या था, कोई भी ऐसा बिल नहीं था, और मतलब एबॉर्शन कराना एक तरह से क्राइम था इंडिया में। मैंने आपको थोड़ा नॉलेज इसकी दे दी, लास्ट में पढ़ा दूंगा। फास्टर शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल, ऐसा बोला है एरिना, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट ब्रॉट अप बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, जो आपका एरिना, उसने बोला है कि आपको फास्ट चेंज करना है, और 2050 तक 90% टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड है वो एक रिन्यूएबल, 6% फ्रॉम नेचुरल और रिमेनिंग फ्रॉम न्यूक्लियर, ठीक है ना। ऑब्जर्व हुआ है कि मतलब इमरजेंसी ऑफ द न्यू, इसकी इमरजेंसी आ गई है रिन्यूएबल की, क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंज, यू हैव टू डाउन द कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग यू हैव टू बी रिड्यूस, इन सब चीज़ों पे काम करना है, तो हमें किस पे वर्क करना है, इस पे इस रिपोर्ट ने बोला है एरिना जो निकालता है। आपको याद रखो प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक कौन निकालता है, एरिना निकालता है आपका, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये हो गया, ये कुछ नहीं है काम का हमारे लिए, पोस्ट वैक्सीन ब्लड क्लॉटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड ने जो बनाई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट हो रहा है। पर इंडिया में कितने लोगों को लग चुकी है, 30 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन अब तक लग चुकी है, पर इंडिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसी प्रॉब्लम आपको कहाँ मिली थी, आपको डेनमार्क, वहाँ को आपको आपके नॉर्वे, उन कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है। हाल्फ ऑफ द मतलब जो वैक्सीन जो आधे, जैसे 100 को लगी थी 50 लोगों की ब्लड क्लॉटिंग डेथ हो गई है लोगों की, ठीक है। वो ऐसा क्यों बताया जा रहा है, कुछ रीज़न तो वहाँ क्लाइमेटिकल रीज़न दिए जा रहे हैं, वो भी रीज़न है, पर ऐसा भी इंडिया में नहीं हुआ रहा। WHO ने भी ऐसे बड़े स्केल पे ऐसा कहीं नोट नहीं किया है, बस इतना याद रखो, पैनिक मत बनाओ इस चीज़ को। भले से डेनमार्क द फर्स्ट कंट्री सस्पेंड कर दिया उसने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को, हटा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आयरलैंड भी थिंक कर रहा है और नॉर्वे भी थिंक कर रहा है कि हटाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब किसी वन वर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, NSG जो है अपनी नेशनल आपके सिक्योरिटी गार्ड जो है, उनके नए आपके आपके DG आ चुके हैं, उसका नाम है MA आपका गणपति, मतलब गणपति नाम है उत्तराखंड कैडर के, ये DG हैं उनको, NSG कोई वन वर्ल्ड के लिए पूछा जाए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कोई डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहा हो, CRPF के भी चेंज हो गया है, मिस्टर सिंह करके कोई आया, ठीक है ना, तो वन वर्ल्ड में आप लिखना चाहो तो ये हो गया। अभी क्या है, नो पार्लियामेंट शुड डिस्कस द इंटरनल डिस्कशन ऑन UK की, जो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने डिस्कस किया था फार्मर पे जो जी मतलब प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, उन्होंने डिस्कस किया था हमारे ऊपर, तो इन्होंने हमारे जो ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना, आपके स्पीकर हैं, उन्होंने बोला है किसी पार्लियामेंट को हमारे इंटरनल मैटर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यह ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलो इन द कोटा, अभी क्या चल रहा है ना, अभी मैंने बताया था जो आपका मराठा वाला कोटा है, मराठा कोटा है वो एक्सीड कर गया था 60% से, ठीक है ना, जो कोटा ऊपर पहुंच गया था। तो अभी क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है उसकी, तो ये क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एक्ट आया था 102, आपने उसका प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, जो ले डाउन है प्रोसीजर आर्टिकल 324 में इंट्रोड्यूस, वो आपने फॉलो नहीं किया है। तो मैं आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ाऊंगा क्या है, वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं न्यूज़ कवर कर लेता हूं। इससे इंडो पैसिफिक पे ध्यान देने की बात कर दी है, किन्होंने बात कर दी है, आपका जो आपका यूके के आपके बोरिस जॉनसन है, वो प्री एग्जिट तो कर चुके हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने इंडो पैसिफिक पे ध्यान देने की बात कर दिया, इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा, इंडिया और पैसिफिक, फिलिस्पीन, जापान, यही सारे रीजन है। जिस पे कौन ध्यान दे रहा था, आपका क्वाड इस पे ध्यान दे रहा है, इंडो पैसिफिक रिलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ऐसा क्यों, अब उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए ना, यूरोपियन यूनियन से तो बाहर जा चुके हैं, तो एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए उन्हें कि मतलब इंडो पैसिफिक रीजन ट्राई टू मॉडरेट,
एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए। उन्हें खतरा है कि चाइना वाइना आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ से भी उन्हें एक तरह से लग रहा है कि मतलब नहीं, हमें भी अब बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रिटेन जो है वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकनॉमी है और ये इंडिया में आने वाले हैं अप्रैल के एंड में। अब देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो आने वाले थे, बोरिस जॉनसन शायद उस पर बुलाया गया था इन्हें 26 जनवरी पे, तो ये नहीं आए थे कोविड की वजह से। अब ये क्या है कि मतलब ये हुई जो माइनॉरिटी है इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है चाइना के अंदर, तो ये ब्रिजिंग वॉन टू ईयू, जियांग सेंक्शन लगाने वाला है ना ईयू, ईयू जो यूरोपियन यूनियन है वो सेंक्शन लगाने वाला है, जियांग सेंक्शन लगाने वाला है, जो जिंग रीजन चाइना के ऊपर सेंक्शन लगाने वाला है, तो ब्रिजिंग ने वॉन किया है कि आप ऐसा मत करो, ठीक है ना। फिर ये वाली वैक्सीन आ गई, बेनिफिट टू एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आउटवेटेड रिस्क, ऐसा किसने बोला है, जो यूरोपियन आपकी मेडिसिन वॉच डॉग है ना, उसने बोला ऐसा कोई खतरा नहीं है, बहुत रेयर कंडीशंस हैं जिसमें इंसिडेंट ऐसे हुए हैं ब्लड क्लॉटिंग, एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले कौन सी वैक्सीन बनने वाली थी, यही बनने वाली थी ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वाली, जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, इसी वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक खतरा, एक पैनिक स्टार्ट होगा कि क्या चीज़ हो रही है, क्या हम इस चीज़ से निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे। एक्सपोर्ट राइज हो गया हमारा, ये आप याद रखना, और रिटेल जो रीच है 93% पहुंच गई है प्री कोविड के मुकाबले। अभी क्या बात करें, ट्रैकल सीएनजी व्हीकल कॉस्ट ब्रिंग अंडर जीएसटी, की जो आपके सीएनजी व्हीकल है ना, ठीक है ना, उनकी कॉस्ट जीएसटी के अंदर लिया जाए, उससे क्या होगा, सीएनजी व्हीकल इंक्रीज हो जाएंगे और कार्बन फुटप्रिंट को हम कर सकते हैं, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं, ऐसा आप याद रखना, ऐसा इन्होंने बोला है, ट्रैकल सीएनजी व्हीकल कॉस्ट ब्रिंग इट अंडर जीएसटी, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी न्यूज़, ये हो गई न्यूज़ आपकी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना ये आईपीओ, आईपीओ पता ही है आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये पहली टाइम कोई कंपनी निकालती है। अभी एलआईसी अपने आईपीओ निकालने वाला है, गवर्नमेंट ने बेचना है ना एलआईसी को, ठीक है ना, एलआईसी को आईपीओ बेचने हैं, तो गवर्नमेंट एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, ये पहली बार निकालते हैं, तो एल आई सी के आई पी ओ आने वाले हैं, पहली बार निकालते हैं किस चीज़ से, तो पहली बार कोई शेयर निकालेगा तो एल आई मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में निकालेंगे, ठीक है ना। तो उस पर कुछ इशू था, जैसे आपने एल आई आई पी ओ के लिए अप्लाई किया तो आपके बैंक के अकाउंट के पैसे क्या होते, लॉक हो जाते थे उतने, वो बताया था ना सर ने, तो इतने पैसे आपके लॉक हो जाते थे। अब वो क्या होते थे, मतलब लॉक हो गए, चलो आपको आई पी ओ नहीं मिला, तो पैसे तो अगले दिन आपके अनलॉक हो जाने चाहिए ना, ठीक है ना, ऐसे महीनों तक नहीं अनलॉक कर रहे हैं वो पैसे, तो सेबी बोलता है बेटा मत करो लॉक, आप अनलॉक रखो, पर आपको दिन के हिसाब से 100 रुपये पे करना होगा पर डे, या फिर 15% पर एनम पे करना होगा, आप उस अमाउंट को अनलॉक नहीं कर रहे हो, डिले कर रहे हो अनलॉक करने में। जैसे आपने आई पी ओ खरीदेंगे तो वो अंडर राइट जो बैंक होते हैं जो आई पी ओ इशू करते हैं, ठीक है ना, तो वो अनलॉक कर देते थे पैसे, वो क्यों ऐसा करते थे, फ्रॉड बहुत होता था, एक आदमी ही और एक ही इंसान वो क्या करता था, 1000-2000 अकाउंट खोल लेता था, क्योंकि आईपीओ क्या है, बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, क्योंकि लॉटरी सिस्टम होता है वो, एक तरह से पता किसको मिल जाए, तो एक आदमी को पॉसिबिलिटी कम होती है, जब एक आदमी फेक अकाउंट बना दिए 20-25, पहले क्या होता, पेन से भी लिंक नहीं होते थे और बैंक से भी लिंक नहीं होते थे, वो क्या करता था 1000-2000 अकाउंट बना देता था, अकाउंट बनाने के बाद उसे भैया वहाँ पे क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम होता है, मे बी पॉसिबिलिटी हो जाए उसे मिल जाता था, तो उससे क्या होता था, प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती थी, वो महंगा हो जाता था, डिमांड ज़्यादा होती थी, तो सेकेंडरी मार्केट में वो ज़्यादा पैसों में, अच्छे पैसों में उसे बेच देता था, ठीक है ना। तो इससे रोकने के लिए पैन कार्ड को लिंक कर दिया हमने, और बैंक मतलब पैसा भी लॉक किया जाएगा, अब कितने 2000 अकाउंट खोलेगा, 2000 उसे बैंक अकाउंट चाहिए, फिर वो आई पी ओ की कॉस्ट 1 लाख रुपये है, तो 2000 लाख रुपये चाहिए उसे, तो एक पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो वही पैसा जो लॉक किया जाता था, अगर अनलॉक करने में देरी करते तो आपको पेनल्टी पे करने की, ऐसा सेबी ने बोल दिया। तो आईपीओ आईपीओ से क्वेश्चन आ सकता है, आईपीओ को याद रखना, आईपीओ क्या होते हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ है। फिर एक आपकी ग्लैंड करके है, जो आपकी स्पुतनिक फिव है ना, मतलब रशिया की जो वैक्सीन है, एक ग्लैंड फार्मेसी, आपकी ग्लैंड फार्मेसी है इंडिया की, हैदराबाद में है ये भी, तो ये अब उसके साथ वैक्सीन मिलकर बनाएंगे, हैदराबाद में डेवलप करेंगे, कौन सी वैक्सीन, स्पुतनिक फिव जो वैक्सीन है, ठीक है ना। ठीक है, फिर कल तो इंडिया को चक्का लग गया, बटलर ने बना लिया रेल। तो इतनी ही न्यूज़ है, फिर मैं आपको आ जाता हूँ थोड़ा इस पर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे बताऊँगा, थोड़ा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बताऊँगा ये क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जब कोई लॉ बनाया जाएगा तो उसका कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, आप याद रखते हो कि प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ होता है और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है।
प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसमें नाम में ही आ रहा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. इट मीन्स दैट अ लॉ दैट ड्यूली इनेक्ट बाय द लेजिस्लेचर और द कंसर्न बॉडी इज वैलिड इफ इज फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर. अगर कोई लॉ बना रहा हो, अगर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तभी वो लॉ माना जाएगा. ठीक है ना, अगर कोर्ट को लगा कि उन्होंने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया है नहीं किया है, तो मतलब फ्रेम क्या करेगी लॉ को, मतलब कि वो एक तरह से उस पर ले डाउन कर सकती है. लेजिस्लेटर वुड नॉट एक्सेस द इंटेंट टू सेट लॉ. ठीक है ना, तो ऐसी डॉक्ट्रिन हैज बीन अ मेजर फ्लॉ. कुछ नहीं है इसमें, सारी बात ये है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है. कोई भी आप लॉ को इनेक्ट करोगे, एक मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और इक्वलिटी को फॉलो करोगे. ठीक है ना, और स्ट्रिक्टली मतलब फॉलोइंग द एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो भी है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि पर्सनल लाइबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक है ना, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब चीज़ को आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल, ये याद रखना, प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल एंड द आर्बिट्री एक्शन ओनली द एग्जीक्यूटिव, ओनली द एग्जीक्यूटिव. ठीक है ना, तो ओनली द एग्जीक्यूटिव, ये लाइन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ये वाली लाइन जो आपको प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. हमारे फॉर्म्स होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो आपको ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये एग्जीक्यूटिव से बचाता है. ओनली एग्जीक्यूटिव की जो हैरस कंडीशन में कोई लॉ लेके आ रहे हैं उससे आपसे बचाता है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ठीक है ना, ये को आपके साथ फेयर होना चाहिए, नो कोई आर्ट्रीबिट चीज़ नहीं होनी चाहिए. मतलब ये किस चीज़ से बचाएगा आपको, मैं ये चीज़ बता दूँ, ये दोनों से बचाता है आपको, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव. तो क्या क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव में लेके आ गई, कोटा वाला, तो लेजिस्लेटिव में लेके आई, तो ये दोनों से बचाएगा. तभी वहाँ की गवर्नमेंट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, कोर्ट ने ऐसा बोला. ये चेक करने के लिए होता है कि आपने फेयर गेम प्ले कर रहे हो, ये दोनों उस चीज़ के लिए होते हैं. फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो इंडिविजुअल राइट को, दोनों उस चीज़ के लिए होते हैं. बस अंतर क्या होता है, फेयरनेस, फंडामेंटल राइट, लाइबिलिटी, अंतर क्या होता है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों को चेक करता है, यही क्वेश्चन आता है बस. और ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव ओनली. ठीक है ना, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. ठीक है ना, एंड द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट नॉट आर्बिट्री. तो ये जो प्रोसेस जो है इससे बड़ा होता है, आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से बड़ा होता है. अब आपको कमेंट में बताना है किस कंट्री से लिया गया, ये किस कंट्री से लिया गया, ये आपको कमेंट में बताना है. शायद इसमें आ जाएगा नीचे, तो पढ़ लेंगे, वो भी एक चीज़ है. इंडिया फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ, मतलब दोनों, मतलब प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉस, दोनों में ड्यू प्रोसेस फॉलो करता है. ठीक है ना, इंडिविजुअल राइट के लिए. और जो मेनका गांधी वाला केस था उसमें ही वाइड किया गया था, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ विद द मींस ऑफ आर्टिकल 21 राइट एंड जस्ट फेयर द आर्टी, नॉट आर्ट्रीबिट एक्शन नहीं लेने हैं, मतलब ऐसे कुछ. तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हैज एक्वायर फ्रॉम, ये हमने चेंज करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ इंडिया का अमेरिका से क्लॉज लिया गया था, चेंज कर दिया था. बस आपको याद रखना जो मैंने आपको स्टेप बताया, दो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों को करता है. कौन सा करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. उसके बाद आता है मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, जो मैंने आपको बिल बताया, आधा तो मैं बता ही चुका हूँ, बिल ही आ चुका है. प्रॉब्लम क्या आती है कि डिनाई करता था रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वुमेन, किसी वुमेन को कोई प्रॉब्लम है 20 वीक के बाद वो कराना चाहती है प्रेगनेंसी, अपना अबॉर्शन मतलब कराना चाहती है, तो उसको डिनाई करता था ये वाला 20 वीक के बाद. अगर आपको कराना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेके जाना पड़ेगा. 20 वीक से पहले कराओ तो दो डॉक्टर के आपको सलाह मशवरा चाहिए. अब दो डॉक्टर, एक ने परमिशन दे दी एक ने नहीं दी, तो प्रॉब्लम आनी क्रिएट हो जाती थी, बढ़ने लगती थी. फिर वो वुमेन क्या जाती थी, अनसेफ तरीके से अबॉर्शन कराने, कहीं मतलब ऐसे प्रैक्टिस के पास चली जाएगी, उसे करना ही नहीं आता. तो उसे पता लगा एक इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक की नोट आया था कि 10-30% मैटरनल डेथ होती है इंडिया में वो अनसेफ अबॉर्शन से होती हैं. ठीक है ना, थर्ड हाईएस्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया. ठीक है ना, अब सेक्शन 32 जो एमटीपी एक्ट था 1971 वो क्या बोलता है, अगर आप 12 वीक से ऊपर चले जाते हो और 20 वीक से कम रहते हो, दो डॉक्टर की परमिशन चाहिए. अगर 12 वीक के अंदर आप करा रहे हो तो एक डॉक्टर आपकी परमिशन से आप करा सकते हो. ठीक है, अगर 12 वीक से ऊपर चलेगा फिर आपको प्रोसीजर कोर्ट का अपनाना है. कोर्ट एक हफ्ता लगाए, दो हफ्ता लगाए, तीन हफ्ता लगाए, चार हफ्ता लगाए, तो एक वुमेन की रिक्स के ऊपर भी बात आ जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन के, उसके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिलिटीज़ है, उसका अबॉर्शन कराना है, उसे पता लगा 20 वीक के बाद, तो अगर वो नहीं करा पा रही है तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर. ठीक है ना, तो इन्फेक्शन हो सकता है वूम में, मदर की कोक में, कुछ भी हो सकता है. तो सब चीज़ को देखते हुए हम ये बिल लाए. फिर जो 71 वाला बिल था, मतलब कि मेडिकल टेक्नोलॉजी अलाउ द रिमूवल ऑफ फोटोस, मतलब रिमूवल एडवांस ऑफ स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये कुछ बात याद रखना. जो उसमें बिल था, जो ओरिजिनल वाला बिल था, उसमें किसी माइनर की बात नहीं की गई. अगर माइनर के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो उसको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ऐसी बात की गई. जिस और तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जैसे वो अपाइज है, कुछ भी चीज़ें हैं उसके अंदर, उसको मतलब उसके लिए स्पेशल परमिशन होनी चाहिए ना,
उसे नहीं, बॉडी उसकी सुटेबल कर पा रही है, हैंडीकैप है, कुछ भी है, तो ऐसा भी कुछ प्रोविज़न नहीं था जो 71 वाला बिल था, ठीक है ना। फिर हम लेके आए MTPP बिल को चेंज करने के, प्रपोज़ किया हमने कि चेंज किया जाए। क्या चेंज किया जाए कि इसे पहले तो 20 वीक से लेकर 24 वीक तक कर देना चाहिए, ठीक है ना। 20 वीक से आप पहले करोगे तो एक डॉक्टर की ज़रूरत से करा सकते हो, और 20 वीक से 24 वीक तक दो डॉक्टर आपको चाहिए। और एक स्पेशल कैटेगरी वुमेन बनाना चाहिए, जैसे रेप सर्वाइवर हैं, कोई जिनका रेप हुआ है, कोई माइनर है, उनके लिए एक स्पेशल मतलब कैटेगरी बनानी चाहिए। उनको तो आते ही बोल दो हाँ ठीक है, उनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। उससे पहले क्या था इंडिया के अंदर, जो अबॉर्शन करार 1971 से क्या था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था, आर्टिकल 312 के अंदर आता था इंडियन पिनल कोड के अपने अंदर, ठीक है ना, 1870। तो एक तरह से क्या आता था, इसके अंदर आता था। तो फिर उसके बाद इंटेंड बेनिफिट क्या हो सकते हैं, मतलब इससे कि हम क्या है, फोटस को एब्रोन कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उसको मतलब 20 वीक के अंदर डिटेक्ट हो जाती हैं आराम से, ठीक है ना। उससे 21 वीक में डिटेक्ट हो जाती हैं कभी कभी, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, आराम से अबॉर्शन करा सकते हैं अगर पता लगा प्रॉब्लम है, ठीक है। हेल्प हो सकती है रेप विक्टिम की, जो अंडर छोटी एज की हैं, ठीक है ना, उन्हें हेल्प हो सकती है एक तरह से। कोई अनमेरिड वुमेन के साथ हुआ है तो उस बिल में उनको भी स्पेशल कैटेगरी में ऐड किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं उसमें, स्पेशल कैटेगरी में ऐड किया जा सकता है और हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। प्राइवरी जो आपकी प्राइवेसी कंसर्न है, आधे लोग तो क्या डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं कि इसने टर्मिनेटिंग करा लिया, कुछ गलत बात होगी, क्यों, तो वो आपको प्राइवेसी रखा जाएगा। प्राइवेसी कंसर्न भी इसे मेंशन किया गया जो नया वाला बिल है। अब इशू क्या है, इशू ये है कि देखो इसमें क्या होगा, सेक्स जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, मतलब सेक्स को देखने की, मतलब ये हिंदू लड़का हो रहा है लड़की हो रहा है, वो बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाएगा, आप पता कर लो कहीं से भी गलत तरीके से, कहीं आपने अपने अल्ट्रासाउंड पर पता कर लिया कि आपके वो लड़की है, तो उससे क्या होगा, आपका अबॉर्शन कराना है तो अबॉर्शन की जो ईजी कर दिए गए हैं रूल, तो ईजी हो जाएगा। आप डॉक्टर को पैसे दे दो, क्योंकि 20 वीक तक पता लग जाता है, एक वेबिलिटी बन जाती है फ्यूटस के अंदर, जो आपका फ्यूटस होता है उसके अंदर पता लग जाता है बच्चा है लड़की है लड़का है। उस टाइम पे जो बच्चा होता है ना अंदर, वो माँ की कोख से बाहर निकाल के आप आर्टिफिशियल वोम में रख दो उसे, आर्टिफिशियल वोम में उसे आउटसाइड में अगर प्रोवाइड करवा दो तो भी बच्चा पूरा पैदा हो सकता है, ऐसा बोलता है 20 वीक के बाद, ठीक है ना। एक कंडीशन आ जाती है, तो उससे क्या होगा कि मतलब वही सब चीज इंक्रीज होगा, वो सेक्स डिस्क मतलब कि चेक कराना, फिर अबॉर्शन कराना, ये सब चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मेल सेक्स चाइल्ड मतलब फेवर देना स्टार्ट हो जाएगा, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से, जो अभी हमने रोका हुआ है, ठीक है ना। कहीं कहीं ये 28 वीक तक दिखता है, कहीं कहीं पहले 24 वीक से पहले ही पता लग जाता है कि मतलब जो आपकी वायबिलिटी है पता लग जाती है, बच्चा है लड़का है लड़की है सब कुछ इसमें ये चीज़ पता लग जाएगी, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर कुछ कंट्रीज़ हैं, 59 कंट्रीज़ अभी तक अलाउड करते हैं आपको, अलाउड ही नहीं करते अबॉर्शन को, मतलब इतने लंबे टर्म तक ले, 20 वीक तक ही अलाउड करते हैं 59 कंट्री। उसके बाद कुछ कंट्री हैं, कनाडा चाइना या नीदरलैंड है, यही थोड़ा अलाउड करती हैं। बस यही कंक्लूजन है, आपको करना है, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूरत है इसको करने की। गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर दैट ऑल द नॉर्म स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी इंश्योर करना पड़ेगा, हेल्थ इंस्टीट्यूशन को भी इंश्योर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाना पड़ेगा। एक ह्यूमन राइट की तरह से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अबॉर्शन भी नीड है एक तरह से, डिसाइड ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल मतलब सॉलिड साइंस एंड स्टेप टू एडवांस द टेक्नोलॉजी, और भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, आपको ट्रांसपेरेंसी यार ये तो सब कहीं भी लिख दिया करो, यू हैव टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मेडिकल सर्विसेज दिस एंड दैट, इसको कहीं भी लिख दो। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, ये हमने कवर कर लिए हैं, उसमें कुछ रह तो नहीं गया है। ये हमने पढ़ लिया कि माइनर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अकॉर्ड हमने पढ़ लिया है। कोविन में आपको बताना चाहूँ, कोविन एक ऐप है जिसमें आप वैक्सीन आपको लगवानी है तो इस ऐप में जाकर रजिस्टर कर दो, या पोर्टल पर चले जाओ, आपको वैक्सीन, ये क्लाउड बेस्ड IT प्लेटफॉर्म है जो कहाँ वैक्सीन लग रही है, कहाँ किस कितने को वैक्सीन दे दी गई है, वो सब चीज़ को नोट कर रहा है ये वाला ऐप, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करके। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो वेलफेयर है ये इसे मतलब कि यूज़ कर रही है, और इसका इनका ये ऐप है कोविन। अर्लियर इसे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कंडक्ट किया गया, पल्स पोलियो में इसका यूज़ किया गया ऐसे करके, ठीक है ना। और कुछ सपोर्टेड एक्सटर्नल सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है, इससे इसे बैकेंड मतलब हैंडलिंग किया जा रहा है। फ्यूचर क्या है, मॉनिटरिंग करना है, ट्रैकल करना है, वैक्सीन कहाँ दी जा रही है रियल टाइम बेस पे, कोई प्रॉक्सी वाला काउंटर करना है प्रॉक्सी वैक्सीनेशन को, ठीक है ना, आधार कार्ड इनेबल होगा, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, आप चले जाना। क्वेश्चन पूछा जाता है आधार कार्ड इनेबल है कि नहीं है, आधार कार्ड इनेबल है, ठीक है, आपको लगी पर्टिकुलर वैक्सीन नंबर लगा, ये आपको पता लग जाएगा। तो इतना ही आज के लिए न्यूज़ में, ठीक है।